नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी का वाहता। जी हां, तो सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताज के दीदार के लिए वहां पर पहुंचे थे और ये देखिए तस्वीरें। जहां पर पहले सफाई का अभियान था तो सफाई करते हुए नजर आए, झाड़ू उठाते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद ताज का दीदार किया, अंदर गए और जो प्रस्तावित वहां पर जो गलियारा है उसका भी दीदार वहां पर किया उन्होंने, और किस तरह से ताज का रखरखाव होगा, आगे किस तरह से ताज को लेकर के क्या कुछ वहां पर किया जाना है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी की चर्चा करते हुए इस खूबसूरत ताजमहल का दीदार किया। आपको बता दें कि आज जो कार्यक्रम है उसमें लोगों को संबोधित भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस बीच जो कुछ दिनों पहले से काफी विवाद गहरा गया था ताज को लेकर, कहीं ना कहीं ये दौरा माना जा रहा है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसी वजह से ये दौरा रखा गया योगी आदित्यनाथ का, कि जो आक्रोश है लोगों में उसे शांत किया जाए। रीता बहुगुणा जोशी को भी आप देख सकते हैं वहां पर हाथ हिलाते हुए वो नजर आ रही है। और दरअसल शुरुआत जो इस पूरे विवाद की हुई, बता दें कि यूपी टूरिज्म की किताब से राज्य में विकास परियोजनाओं की लिस्ट से ताजमहल को हटाने पर हुई है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपको हम बता दें, तारुफ करा दें सबका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और साथ ही हमारे साथ है विजय शंकर तिवारी जी, नेता वीएचपी। मौलाना शादिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, धार्मिक नेता, और अनिला सिंह जी जो कि यूपी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, ये सभी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अनिला सिंह जी के पास अब हम चलेंगे। अनिला जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जो शुरुआत हुई तो शुरुआत तो भाई अब यूपी टूरिज्म की किताब से ही परियोजनाओं की जो लिस्ट है विकास से उसका ताज का नाम ही ना हो ऐसा तो असंभव वाली बात थी, और उसी से ये सब कुछ शुरुआत हुई, तो ऐसा हुआ ही क्यों? सबसे पहला सवाल आपसे यही, कैसा कैसे हो गया, क्या गलती थी, चूक था या फिर क्या? ना कोई गलती थी ना कोई चूक था। आप लोग बारंबार ये प्रश्न करते हैं और बारंबार भारतीय जनता पार्टी उत्तर देती है कि जो किताब रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर हो उसमें ताज का कोई स्थान नहीं हो सकता है। यूपी टूरिज्म के ऊपर कैलेंडर निकल रहा है उसमें ताज का स्थान है। ये अगर कोई सोचे ताज जो कि एक मसोलियम है, मकबरा है, उसका स्थान जो है राम मंदिर के बगल में लाकर खड़ा कर दें, या बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में लाकर खड़ा कर दें, तो वो संभव नहीं है और ना हम कर सकते हैं। परंतु अगर हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विषय में बात करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ताज जो है न केवल उत्तर प्रदेश, भारत पर विश्व में ये हमारा नाम जो है रोशन करता है। और दूसरी बात मैं एक यहाँ पे और कहना चाहूंगी श्वेता जी, जी। कि योगी आदित्यनाथ जी ताज नगरी में तो गए हैं, आगरा भी उसको लेकर चलिए। आगरा एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर रहा है और जिस प्रकार से उसके उद्योग एक के बाद एक बंद होते चले गए हैं, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये भी है कि किस प्रकार से जो ये औद्योगिक नगरी है इसको फिर से जगाया। भदौरिया जी, मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब देंगे। भदौरिया जी बताइए, आखिर आगरा की ये स्थिति जो आज के समय में हो गई है, आपकी सरकार ने क्या कर लिया इसके लिए? उनको शायद अनिला जी को पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, उनको पता नहीं है कि ताजगंज, ताजगंज से हजरतगंज किसने जोड़ा है। ताजगंज को हजरतगंज तक, लखनऊ तक लाने वाली जो रोड बनाई है, आप ढाई तीन घंटे पहुंच जाते हो, किसने किया है? ये समाजवादी पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने ताज को जो आए वो लखनऊ तक आए, और लखनऊ के भी आप मिलके चले जाओ तीन घंटे के अंदर में। अनिला जी को इसका आइडिया नहीं है कि ताज को डेवलप करने के लिए ताज की टूरिस्ट बता दीजिए। अरे सुन, आगे आने तो दीजिए, मुझे आइडिया है। आपको पहले बात ये पता होना चाहिए, ताज में नहीं नहीं, ताज की नगरी में जो उद्योग है वहाँ चमड़ा व्यापार होता है। सुन तो लीजिए, मैं बोलने दीजिए, चमड़ा व्यापार होता है, सबसे ज्यादा चमड़ा व्यापारियों की मदद की है तो समाजवादी पार्टी ने की है। वहाँ पे जितनी शूज फैक्ट्री है आज तक कहीं पे नहीं है। पहले आप जाइए तो सही, टूरिज्म के लिए हमने लोगों को जमीनें दी है, वहाँ पे आज 20 से 22 और 15 फाइव स्टार होटल्स हैं। आपको इसका बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेस वे बनने से, रिंग रोड बनने से वहाँ फाइव स्टार होटल्स आ गए। आज जब होटल्स आ गए तो होटल इंडस्ट्री बढ़ी है, वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ी है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने पूरा फोकस टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया है वहाँ ताज की वजह से, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने उसको नफरत में फैलाने की कोशिश की, आपने बहुत चाहा कि ताज को विवादित बना दें, उसको कलंक बता के आरोप समाज
जिस किसी की भी सरकार होती है, ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर इसी तरह से लगाते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत है, धरातल पे जो स्थिति है वो ये है कि आगरा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत विकास हो गया है, क्योंकि वहां पर जाकर के अगर आप देखें या कोई भी पर्यटक जाता है तो बहुत अच्छा कुछ खुशनुमा सा कुछ एहसास लेकर के वापस नहीं आता। ताज की ही अगर हम बात करें आज, तो ताज जिस स्टेट में आज होना चाहिए उस स्थिति में आज भी ताज नहीं है। यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जब हम गए थे, ताज को लेकर जिस तरह से जो ये विवाद गहरा है, मुख्य तौर पर आज हम इसी को लेकर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, इसको जो प्राथमिकता जो स्थान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और ऊपर से इस तरह की सियासत, बस ये सियासत कर रही। मैं वही जा रहा था कि भदौरिया जी की 3 सत्र सरकार रही जी, और सरकार रही और ताज के फेवरेबल सरकार है जी। मतलब मैं तो उसमें त्रुटियां निकालता हूं, लेकिन वो उसकी वकालत कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद भी आगरा की क्या स्थिति है ये भदौरिया जी को सोचना चाहिए। मुझे लगता है इनके पास इतना नैतिक बल भी बचा है कि इतिहास की बात करेंगे। मैं कहता हूँ कैराना से हिंदू पलायन करता रहा और भदौरिया जी आपके मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके आंख लेटे रहे। और सुनिए, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लुटती रही, आपके मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके बैठे रहे। आगरा में अरुण माहौर की हत्या होती रही, आपके मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे रहे। मैं कहता हूं आपके अंदर इतना नैतिक बल है कि आप इतिहास की बात करेंगे? आपको तो भारत के इतिहास का कुछ अता पता भी नहीं है। मैं भारत के इतिहास की बात करता हूँ। भारत के इतिहास को जिन लोगों ने विद्रूप किया, जिन्होंने विकृत किया, उनकी ताजपोशी करते हैं यहाँ पे, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होकर गर्व महसूस करते हैं। मैं बात करता हूँ कि भारत के इतिहास को जिन्होंने विकृत किया है, इतिहास उनको माफ नहीं करेगा, और अगर उनके साथ आप खड़े होते हैं तो माफ आपको भी नहीं करेगा। बातें करते रहते हो, नहीं मुझे पता है अनुराग जी, मुझे पता है कि आप 1 घंटा तक लगातार बोल सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आप इतिहास की बात मेरे से तो मत करिए बिल्कुल भी। जिसको इतिहास का कुछ नहीं पता वो मेरे से क्या इतिहास की बात करेगा? आप पहले समाजवादी पार्टी का 10 साल का 5 साल का इतिहास पता करिए। हमने बनाने की कोशिश की है, हम बना रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ने। चलिए, आप ये सभी तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये चर्चा भी हमारी जारी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताज का दीदार किया, और बड़ा सवाल ये कि क्या उनके दीदार से, क्या उनके दौरे से जो विवाद चल रहा है ताज को लेकर वो समाप्त तो होगा? तस्वीरें आपको हम कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ ताज का दीदार करके लौट रहे थे, और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रबर चेक डैम का निरीक्षण करते हुए और सफाई अभियान जो उन्होंने वहां पर किया, सफाई मिशन, खुद झाड़ू उठाकर साफ सफाई का एक संदेश देते हुए, साथ ही यमुना तट पर भी वो वहां पर गए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे तो विरोधियों की भौंहें भी तनी। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।